जो निकलेगा तो सबको पता लगेगा। जब सूरज उगता है तो सबको दिखाई देता है। लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है। अगर जो आप कर रहे हैं दोबारा आप में झेलने की हिम्मत हो तो आप करें। मेरे पारिवारिक रिश्ते में निभा, मुझसे निभाने आ। पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में मुलाकात की। उसके कुछ दिनों बाद आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर गए और अब सीधे आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर मिले। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी उपचुनाव संपन्न होते ही अपना वादा पूरा कर दिया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव की भागम भाग के बीच कुछ दिनों पहले जब आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे थे, मुलाकात के बाद मीडिया के कैमरे के सामने ये कहा था कि वो कुछ दिनों बाद आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे और गुरुवार को आजम खान से मिल भी आए। सीतापुर जिला कारागार से सपा नेता आजम खान से मुलाकात कर वापस लौट रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। मुलाकात हुई, काफी देर तक बात हुई, क्या निकला? जो निकलेगा तो सबको पता लगेगा। जब सूरज उगता है तो सबको दिखाई देता है। वो ये उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के बड़े नेता हैं। मेरी उनसे मित्रता है, उनका हमेशा सहयोग मुझे मिला है, मेरे बड़े भी हैं। आज वो तकलीफ में, परेशानी में, छोटा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मैं दुख में किसी का साथ नहीं छोड़ता। चुनाव से फ्री हुआ हूँ तो नेक्स्ट डे उनसे इसलिए मिलने आया हूँ कि उनके हाल चाल जान लें कि वो किस हालात। अब वो फांसी घर में, मैं उनकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है जेल में, होती भी नहीं है। जेल कोई खुशी की जगह नहीं होती। आजम खान जेल में जिस हाल में है उससे चंद्रशेखर बेहद नाराज दिखे, इसलिए बाहर आते ही योगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, जुल्म वही करना चाहिए जो खुद सह सको। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक बदले के थ्रू उनके साथ ये सब चीजें की गई हैं, ये किससे छिपी भी नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है। अगर जो आप कर रहे हैं दोबारा आप में झेलने की हिम्मत हो तो आप करें। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि चुनाव लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ूंगा, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला। चंद्रशेखर से जब ये सवाल किया गया कि वो लगातार आजम के परिवार से मिल रहे हैं, उनके बेटे से मिले, फिर आजम खान से मिले, लेकिन अखिलेश यादव को आजम खान की फिक्र क्यों नहीं है? जवाब में चंद्रशेखर ने बस इतना कहा, मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप लगातार आजम खान के परिवार से मिल रहे हैं, उनके बेटे से मिलने गए, उनके परिवार में मिलने गए, सपा मुखिया अखिलेश यादव नहीं आ पा रहे हैं सीतापुर, ये कोई अपराध तो नहीं है किसी से मिलना? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मेरे पारिवारिक रिश्ते में निभा रहा हूँ, मुझसे निभाने आते हैं। बताया जा रहा है कि एक घंटे से भी ज्यादा समय तक जेल में आजम खान से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई। क्या बात हुई इसका खुलासा तो बाहर नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो सड़क से लेकर संसद तक आजम खान की लड़ाई लड़ेंगे। कुछ दिनों बाद ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है। चंद्रशेखर जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। देखिए आगे क्या होने वाला है।